एक दिन की बरसात में पूरी तरीके से शहर जलमग्न हो गया। चाहे मंत्री हो या संतरी, ये सभी के घर में पानी इस वक्त घुसा हुआ है। जी हाँ, ये तस्वीरें और तमाम जो दृश्य हैं वो शहर लखनऊ के हैं, जहाँ पर अब आप आते हैं तो लिखा होता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। लेकिन इस समय सभी के जो चेहरों की मुस्कान वो गायब हो चुकी है। लोग घरों में कैद हैं पूरी तरीके से और एक दूसरे को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वक्त रहते तमाम जो बातें होती हैं वो सामने नहीं आती हैं। तो निश्चित रूप से हालातों का जो सामना होता है तो आपकी मुस्कुराहट भी गायब होती है। फिलहाल ये जो तमाम जो चीज़ें तस्वीरें इस समय काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं और कहीं ना कहीं ये चौंका देती हैं कि ये क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यदि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये हाल है तो सोचिए बाकी सूबे का क्या होगा। दरअसल इस समय की जो बाढ़ को लेकर जो तमाम जो दृश्य तमाम बातें सुनते हम चले आते हैं, लेकिन सभी ने अपनी आंखों से देख लिया जब पूरे शहर में जो है पानी भर गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके लिए विशेष तरीके से आदेश दे भी दिए हैं और अलर्ट भी जारी कर दिया है। और वहीं जो जिले के जो मुखिया हैं, जिलाधिकारी सुरपाल भी, वो भी निकले हुए हैं तमाम जो बाढ़ का हालात का जायजा लेने के लिए कि क्या कितने हालात हैं, कैसे हालात हैं, और दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन आपको बता दें कि तमाम जो बाढ़ के हालात जैसे उत्पन्न हो गए शहर में, यानी जो जल भराव है लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। और एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हुए बता रहे हैं, एक दूसरे से हालचाल भी पूछ रहे हैं और जो वीडियो बना बना के सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को भी कह रहे हैं, व्यथा को भी कह रहे हैं। फिलहाल मौके पर जो डीएम जो पहुँचे वहाँ पर उन्होंने जायजा लिया और जो कर्मचारी था उससे हालचाल भी जाना कि क्या हाल है, किस तरीके से यदि ज़्यादा पानी गिरता है तो क्या स्थिति हो सकती है। आपको बताते हैं कि इसके साथ में ही तमाम अन्य जगहों पर भी ये आप जैसा कि देख रहे होंगे किस तरीके से पानी भरा हुआ है। कोई उसमें कोई चीज़ें जो हैं आप छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तमाम लोग वीडियो बना बना के जो है सोशल मीडिया पर डाले हैं और कहीं कहीं से हमको भी प्राप्त हुए। ये बालू अड्डा का नज़ारा है, एक लंबे समय से यहाँ पर लोग अपनी आवाज़ें उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो वक्त रहते तमाम चीज़ सुधरते नहीं, तो हालात हैं और तमाम जो देखने को हमको मिल ही जाते हैं। और ये तमाम चीज़ों का सामना भी लोग कर रहे हैं। जल भराव किसी के बच्चे अटकेलियाँ ले रहे हैं, अगर उन्हें नाव मिलती तो नाव पर बैठ के वो सवारियाँ भी करते हैं। फिलहाल जो स्थिति जो उत्पन्न हो गई है इन सब चीज़ों को लेकर, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि हम राजधानी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और जिसको स्मार्ट सिटी बोला जाता है, दावे भी बड़े बड़े किए जाते हैं। हाल ही में जो मेयर ने भी अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी को एकदम बेहतरीन टिप टॉप करके बात कही, तो उन्होंने कहा था कि हाँ जो है पूरी तरीके से हमारा जो शहर लखनऊ बहुत बेहतर है। और ये आप देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है, ऊपर से लिया गया ये वीडियो न किसी ने बनाया, उसे सोशल मीडिया पे डाला, जो हमें वहाँ तक पहुँचा। बच्चा है जो स्कूल जाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन जब किसी ने बताया कि स्कूल बंद है, आज छुट्टी है, तो वो घर वापस चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल या निशान ज़रूर खड़े होते हैं इस पूरे सिस्टम पर कि तमाम जो करोड़ों रुपया जो सिस्टम में खर्च किए जाते हैं, चाहे गड्ढा भरने से लगा के तमाम चीज़ों को लेकर जल, लेकिन ये जल भराव की स्थिति अगर ऐसी बनी रहती है तो सोचिए आदमी कहाँ जाए, किससे अपनी बात कहे। फिलहाल इस समय जो है कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ों को लेकर डीएम ने तमाम दिशा निर्देश भी जारी कर रखे हैं। कल रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई है लखनऊ में और अभी भी आगे 4-5 बजे तक काफ़ी बारिश होने की संभावना है। इसके दृष्टिगत यहाँ इसका वाटर मैनेजमेंट जो गोमती के माध्यम से करते हैं, उसमें हमारे साथ अभी एचसीएम इरिगेशन के जी भी मौजूद हैं। हम लोग यहाँ ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि अभी कितना और पानी की निकासी की गुंजाइश है, जिससे कि जो हमारा सिटी एरिया में पानी इकट्ठा है उसको ड्रेन आउट करना है, वो गोमती के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर दो बैराज हैं, एक गौ घाट पर है और दूसरा ये यहाँ पर है गोमती बैराज जिसको कहते हैं। यहाँ पर अभी हमने दो गेट्स खुलवा दिए हैं, एक और खोलने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे जो सिटी से ड्रेन आउट होने वाला पानी है वो जल्दी से निकल जाए यहाँ से। और इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, वो एरिया जो कि ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड है और उसका पानी गोमती नदी में सीधे आता है, तो वो तो तत्काल अभी रिसीव कर जाएगा, वो पानी ख़त्म हो जाएगा जैसे ही हम यहाँ से ये रिडक्शन कर लेंगे। कुछ एरिया ऐसा है जो लो लाइंग एरिया है, वहाँ पर भी जल भराव हुआ है, तो उसमें हमारे नगर निगम की टीम
पूरे लखनऊ के हर क्षेत्र में, हर जोन में इस समय काम कर रही है। जहाँ पर पंपिंग से पानी को निकालना है वहाँ पंपिंग से निकाल रहे हैं, जहाँ कहीं कोई अवरोध ड्रेन सिस्टम में है उसको क्लियर कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी हम जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर लेंगे। इसमें एक और विषय रहता है जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं उसमें ड्रेनेज सिस्टम को जहाँ पर बंद कर दिया गया है वहाँ रैंप बना लेते हैं लोग, या जो नाली पहले की हैं पूर्ववर्ती नाली हैं उनको ढक ढक के या उनको बंद कर दिया गया, तो वो ड्रेनेज नहीं हो पाता है पानी। तो ये ऐसी स्थितियों में ये उस पूरे एरिया के लोगों को इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है, और वो पानी जो कि ड्रेनेज सिस्टम किसी भी वजह से अवरोध हो गया वहाँ पर, वहाँ से ड्रेन होने में ज़्यादा वक्त लेता है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि हमको अपनी जहाँ पर भी रिहायश हैं, जहाँ पर भी हमारे आवास हैं, वहाँ हम ड्रेनेज सिस्टम जो भी बना हुआ है, जो नाली बनी हुई है, उनको ढकेना, उनको खुला रहने दें। उनके थ्रू हमारा ऐसी जब जल भराव होता है तो पानी के निकासी का वही एकमात्र मार्ग होता है, तो उसको बाधित ना करें। अभी फिलहाल जो इमीडिएट करने वाली चीज़ें हैं वो नगर निगम की टीम, हमारे जिला प्रशासन की टीम, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि ये जो जहाँ जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग हुई है उसको हम जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज कर लेंगे। सर, मूसलाधार बारिश की वजह से स्कूल भी बंद किए गए हैं। हाँ, कल रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई और काफ़ी बिजली के कड़कने का भी हम लोगों ने देखा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें काफ़ी रिस्क रहता है, बच्चों के लिए बहुत असुविधा रहती, कुछ जगहों पर जल भी भर गया है, लेकिन एक लगातार बारिश होने की जो संभावना बताई गई है मौसम विभाग के द्वारा, उसके तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज विद्यालयों को बंद कर दिया जाए और वो आगे सुबह जारी की जाए। उसके अलावा ये जो ख़राब मौसम के चलते हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, वो गाइडलाइंस भी हमने जारी की हैं, हमारी वेबसाइट lucknow.nic.in पर भी वो उपलब्ध हैं। सभी लोगों को उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और खुद को सुरक्षित करना चाहिए, अपने को, अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को सुरक्षित करें। किसी भी तरह से अनावश्यक रूप से जब बिजली कड़क रही हो उस समय अनावश्यक रूप से खुले में बाहर ना घूमें। अगर बाहर जाते हैं तो तीन चीज़ों जैसे असुरक्षित भवन हैं, मेटलिक चीज़ें हैं या पेड़ हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें जिससे कि बिजली कड़कने के समय कोई हानि ना हो। बाकी और डिटेल्ड गाइडलाइंस क्या हैं वो हमने वेबसाइट पर डाली हुई हैं, बार बार हम रीट्रेट करते हैं उन चीज़ों को जिससे कि अधिक से अधिक लोगों में इसकी जागरूकता हो, और ऐसे एडवर्स वेदर कंडीशन में हम खुद को और अपने जानने वालों को सुरक्षित रख सकें, ये हम लोगों का उद्देश्य है।